नमस्कार दर्शकों, मैं शिवांगी भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनजी न्यूज। आज बरेली में पानी को बचाने से लेकर एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया है। दरअसल बरेली के ही इनर व्हील क्लब और बरेली मरकरी के द्वारा मेगा वाटर सेविंग प्लांट की शुरुआत की गई। आज इस प्लांट की ओपनिंग की गई। ये ओपनिंग बरेली के वर्तमान विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, ESO डॉक्टर रेणु अग्रवाल, ECC डॉक्टर नीलू मिश्रा व वंदिता शर्मा के द्वारा की गई। इस मौके पर आए हुए सभी सदस्यों ने प्रोजेक्ट की बहुत ही सराहना की और बताया कि ये प्रोजेक्ट भविष्य में हमारे लिए किस प्रकार से लाभ प्राप्त करवा सकता है। इनर व्हील क्लब के सभी सदस्यों ने बताया कि पानी के हम किस किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और भविष्य में और वर्तमान में हम किस तरह से इसका लाभ उठा सकते हैं। इस मौके पर इनर व्हील क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे। और फिर यहाँ से पाइप के थ्रू ये अंडर वाटर आपका जाएगा, जो इन्होंने बोरिंग कराई है, तो ये सारा धरती में जाके मिलेगा। तो इससे वाटर लेवल जो हमारे यहाँ कम होता जा रहा है, वो वाटर लेवल ऊपर आएगा इससे। तो ये इन्होंने, मेरा नाम सुधा सक्सेना है, मैं इनर व्हील क्लब ऑफ बरेली मरकरी की प्रेसिडेंट हूँ और आज हम लोगों ने वाटर सेविंग का ये प्रोजेक्ट किया है और हमारे यहाँ सभी क्लब के मेंबर आए हैं, हमारे सीनियर भी आए हैं, डॉक्टर नीलू मिश्रा जी और वंदिता शर्मा जी और नेहा डॉक्टर अरुण कुमार विधायक जी हमारे आए थे, उनके हाथों हम लोगों ने आज इसका ओपनिंग करवाई है, उद्घाटन। ये अनामी पब्लिक स्कूल में ये हम लोगों ने वाटर सेविंग का बनाया है। ये जो हैंडपम्प का पानी और टंकी का पानी स्टोर होके बीच में इकट्ठा होगा और इसमें पाइप से छनके उधर नीचे पानी जमीन में चला जाएगा। इनर व्हील क्लब ऑफ मरकरी जो बरेली का एक जाना माना मशहूर क्लब है और सेवा के क्षेत्र में अपना एक अहम जगह स्थान रखता है, ऐसे क्लब द्वारा आज इस अनामी स्कूल के अंदर एक वाटर रिचार्जिंग का वो लगाया गया है, ताकि जो वाटर हम लोग वेस्ट कर देते हैं, नालियों में जाता है, वो पानी जो है छन के साफ होकर नीचे ज़मीन के अंदर चला जाता है। इस तरह से ग्राउंड वाटर लेवल जो है मेंटेन रहता है और हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, जल है तभी कल है, बिना जल के कल नहीं होगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग बजाय इसके जब पानी और कम हो जाए अभी से ही चेत जाएं और जल स्तर को मेंटेन रखने के लिए अभी से इस पर पूरा लगें। इनर व्हील क्लब ऑफ मरकरी बरेली ने लोगों को एक प्रेरणा दी है कि जिस तरह से इन्होंने एक छोटे स्तर पे बनाया है, इस विद्यालय में बनाया है, ताकि बच्चे शुरू से ही समझें कि वाटर रिसाइकलिंग क्या चीज़ होती है और पानी को किस तरह से हम लोग कंजर्व कर सकते हैं और रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें पानी चाहे टंकी से आ रहा हो या नल का आ रहा हो, उसको फिल्टर होके छान के सफाई के साथ पानी जो है नीचे जाता है और इस तरह से वाटर लेवल मेंटेन रहता है और दोबारा जब हम पानी वही खींचते हैं ऊपर तो हमें साफ़ मिलता है। और वाटर लेवल मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बरेली के कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां वाटर लेवल काफ़ी कम होता जा रहा है और इस सब के लिए ज़रूरी है कि हम लोग ज़मीन से उतना ही पानी निकालें जितना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और रिचार्ज ज़रूर करें। पहले के समय में तालाब बहुत हुआ करते थे, पोखर बहुत हुआ करते थे, उन तालाबों में बरसात का पानी इकट्ठा होता था जो धीरे धीरे फिल्टर होकर नीचे चला जाता था, लेकिन अब तालाब कम हो गए हैं। हमको तालाबों की ओर भी ध्यान देना होगा और तालाबों के जरिए भी पानी को ज़मीन के अंदर पहुंचाना होगा। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।